हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। ये है लाल साग, यानी कि लाल माठ मराठी में बोलते हैं। तो इसको मैं अच्छी तरह से तोड़ ली हूँ और पानी से, दो तीन पानी से अच्छी तरह से धो ली हूँ और चढ़ाई हूँ गैस पे कढ़ाई में। डाली तेल, सरसों तेल है, उसमें डाली मिर्ची और उसमें डाल देती हूँ लाल साग जो है साफ करके रखी थी, यानी लाल साग। उसमें डालती हूँ नमक और एक चना। सभी चीज़ों को डाल करके मैं इसको ढक देती हूँ ढकने के लिए, थोड़ा कम पड़ जाएगा तो इसको चलाऊंगी। देखिए कम पड़ गया तो ही मैं इसमें पानी डाल करके ढक दी हूँ पकने के लिए। ताज़ा नहीं, ज़्यादा ताज़ा नहीं लग रहा था, ताज़ा में तो पानी अपने आप निकल जाता है। एक थोड़ा पानी इसमें दे दी इसलिए पक गया। जब तक पक ना जाए इसको अच्छे से चलाते हुए पकाना है। जब पूरी तरह से पक जाएगा तो ये मिक्स हो जाएगा। इसको कलछी के सहायते से मिक्स कर लेती हूँ। इसमें हम लोग लहसुन प्याज नहीं डालते क्योंकि ये लाल है, लाल यानी शुभ साग होता है, शुभ अवसर पर हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। ग्रीन वाले मतलब जो हरा वाला चौली रहता है उसमें लहसुन प्याज डाल सकते हैं, मैं डालती हूँ, इसमें नहीं डालते। देखिए पूरी तरह से मेरी साग तैयार हो गई है खाने के लिए, पूरी पानी सूख गई। इसको चलाते हुए मिक्स करते हुए पानी को भी सुखा लेना है। ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। आप इसको चावल के साथ खा सकते हो, साइड डिश के तरह भी खा सकते हो, लेकिन मुझे चावल के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। गर्मा गर्म चावल है, उसमें डाली हूँ देसी घी। तो चलिए आप सब भी आ जाइए, मैं जा रहे खाने के लिए। तो आप सबको ये वीडियो कैसी लगी? बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। ये देखिए मेरा खाना।